नमस्कार मित्रों, अभ्युदय क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम सब जो है मार्च महीने के करंट अफेयर्स कैरी ऑन कर रहे थे। तो हम लोगों का मार्च 2021 के करंट अफेयर्स फिनिश हो चुके हैं। चार जो है लेक्चर उसमें हुए हैं और सारे के सारे सेक्टर्स मार्च महीने के अटेम्प्ट कर लिए हैं हम लोगों ने। अब आता है जो है फर्स्ट कंपाइल लेक्चर का, जो है सभी सेक्टर्स का एक कंपाइल लेक्चर, जैसा कि जो है मई जून अप्रैल दोनों ही मंथ में आप लोगों को प्रेषित किया गया था, उसी प्रकार से ये सारे सेक्टर्स नेशनल इंटरनेशनल साइंस टेक इकोनॉमी पोर्शन स्कोर अवार्ड इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज ETC जितने भी जो है मार्च महीने में करेंट अफेयर्स विभिन्न सेक्टरों के बताए गए हैं, उन सबका एक कंपाइल्ड वीडियो, जिससे जो कि बताया ही जा चुका है आप लोगों को, परीक्षा पीरियड में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए मित्रों, हम सब चलते हैं कंपाइल लेक्चर क्लास जो है मंथ मार्च 2021 पर। तो सर, इसकी स्पीड जो है आप जानते ही हैं कि फास्ट स्पीड रहेगी, क्योंकि सारे सेक्टर्स को जो है यहाँ पर कंपाइल करना है और फास्ट रहनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट लेक्चर्स में जो है सारे पॉइंट्स, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लोगों को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से जो है बताया गया है, जिसे आप जो है अपने नोटबुक में भी सुरक्षित कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है मार्च महीने की कंपाइल स्टडी पर। फर्स्ट नेशनल एक्टिविटीज, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 बीरेन प्राइम मिनिस्टर ने जो है विश्व जल दिवस 2021 को जो है मार्च महीने के 22 डेट को जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, आप सब जानते हैं। इस अवसर पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने 23 बीरेन अभियान जो है आरंभ किया, लॉन्च किया जो है 23 बीरेन, वेयर एवर इट फॉल्स 23 बीरेन, मतलब वर्षा जल को गांव और शहरों में संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। वर्षा का जल जहां भी गिरे, जब भी गिरे जो है उसे संरक्षित रखिए। उड़पी रामचंद्रन सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया जो है, और इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ने जो है इन पर डूडल बनाया है, गूगल ने अपना डूडल जो है उड़पी रामचंद्रन पर बनाया है। एक प्रख्यात साइंटिस्ट रहे हैं जो है, और ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी हैं उड़पी रामचंद्रन को। 89वें बर्थडेज को गूगल ने सेलिब्रेट किया है और उस अवसर पर गूगल ने डूडल बनाया है। अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में जो है पहले ऐसे भारतीय सांसद और मंत्री हैं जो कि कैप्टन बनाए गए हैं टेरिटोरियल आर्मी में। टेरिटोरियल आर्मी क्या है जो है आप सबको विधिवत बताया जा चुका है। तो 2016 में जो है अनुराग ठाकुर सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जो है 2016 में जो है लेफ्टिनेंट बनाए गए थे और हाल ही में प्रमोट होकर के जो है कैप्टन इकबाल से विभूषित किए गए हैं। इंश्योरेंस अमेंडमेंट भी हाल ही में आया और फॉरेन सेक्टर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट उसमें 49 से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। सिद्धार्थ नगर झांसी लखनऊ और कुशीनगर को हम लोगों ने पढ़े थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो उस लिहाज से जो है सिद्धार्थ नगर में जो है काला नमक महोत्सव जो है, काला नमक चावल को जो है बुद्धा चावल भी इसलिए कहा गया है क्योंकि काला नमक चावल के प्रोडक्शन सिद्धार्थ नगर में होता था जो है, और कपिल वस्तु लुम्बिनी परिक्षेत्र जो है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है जो है उस क्षेत्र का काला नमक चावल
विख्यात है जो है, इसीलिए काला नमक चावल को बुद्धा चावल भी कहा जाता है जो है। और हाल ही में जो है सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल जो है सिंगापुर के लिए सप्लाई किया गया है। तो सिद्धार्थनगर में काला नमक महोत्सव, लखनऊ में गुड़ महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव, कुशीनगर में बनाना महोत्सव जो है हाल ही में आयोजित किया गया। और विविध जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरीके के वहाँ के जो यूनिक प्रोडक्ट हैं उसके रेफरेंस में जो है फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है हाल ही में अध्यक्ष अजय माथुर जी बनाए गए। ये प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सोच है और फ्रांस तथा इंडिया में मिलकर के जो है इस प्रोजेक्ट को 1915 में जो है पेरिस में इस्टेब्लिश किया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है जो है, इसमें 112 कंट्रीज कर और मकर रेखा के बीच जो लाइन करते हैं जो है ये सम्मिलित हैं, जहां पर कि सूर्य का प्रकाश अमूमन वर्ष भर मिलता रहता है। तो हाल ही में अजय माथुर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार छतरी योजना जो है, तो मनरेगा में रोजगार प्रदान करने में जो है कौन सा स्टेट भारत का अव्वल रहा जो है, तो वो छत्तीसगढ़ स्टेट है जो है। छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल और आसाम ये दोनों राज्य हैं, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पर जो है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया का जो है एक नया स्ट्रेन हाल ही में मिला और उस बैक्टीरिया का नामकरण जो है एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर किया गया, उनका नाम डॉक्टर सईद हसमल खान, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के प्रोफेसर जो है डॉक्टर सईद हसमल खान, इनके नाम पर जो है उस इंटरनेशनल स्पेस पर जो नया स्ट्रेन मिला है बैक्टीरिया का उसका नाम रखा गया है मिथाइल बैक्टीरियल अजमली जो है। ये प्रख्यात साइंटिस्ट इंडिया के जो है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके नाम पर जो है नए स्टेट का जो है बैक्टीरिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हाल ही में जो है मिला है उसका नामकरण किया गया मिथाइल बैक्टीरियल अजमली जो है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना इससे रिलेटेड है, मातृशक्ति से रिलेटेड है, नाम से ही स्पष्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसमें गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाती है 5,000 रुपीज की जो है प्रसव के 175 दिन पहले से लेकर के प्रसव तक जो है 3 इंस्टॉलमेंट में 1,000, 2,000, 2,000 रुपये की जो है सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना क्यों चलाई गई, क्योंकि बहुत सी जो है गरीब महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर निकलने के लिए अपना कार्य करती हैं, कारोबार करती हैं, उससे जो अर्निंग होती है उससे उनका जीविका चलता है। लेकिन प्रसूति काल में जो है गर्भावस्था में भी उन महिलाओं के लिए संभव नहीं है कि वो घर से बाहर निकल कर के जाएँ और मेहनत का कार्य कर सकें जो है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। तो इस रेफरेंस में ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना चलाई है। उस मातृवंदन योजना के क्रियान्वयन में अव्वल स्टेट जो है कौन सा रहा है, मध्य प्रदेश। जानवरों की मदद के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क इस स्टेट में जो है चलाया है वो आंध्र में। जैसे हम लोगों के जब बीमारी होती है तो हेल्प के लिए जो है 102-108 एम्बुलेंस चलाए गए हैं, उसी की तरह पर जो है जानवरों की बीमारी के समय हेल्प के लिए मदद के लिए जो है आंध्र स्टेट ने एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा जो है लॉन्च की है। ये भारत का जो है पहला ऐसा स्टेट है जो है इस तरीके करने वाला जो है। गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक हाल ही में पारित किया गया है, तो गर्भपात की जो है
मैक्सिमम टाइम पीरियड लिमिटेशन जो है इधर पार जो है तब तक कराया जा सकता है। अब तक जो है भ्रूण की जो है 20 वीक तक था, लेकिन अब उसे जो है एक्सटेंड करके 24 वीक्स कर दिया गया है। ये मतलब गर्भपात जो है अब मैक्सिमम जो है 24 वीक तक कराया जा सकता है, जबकि जो है अभी तक यह 20 वीक तक था। 20 से 24 ऐसा तब इसलिए किया गया क्योंकि भ्रूण संबंधी जो विसंगतियाँ होती हैं उसका पता जो है 20वें सप्ताह में चल पाता है। और मान लीजिए जो है 20वें सप्ताह में जो है चेकिंग ना हो पाई जो है, क्लिनिकल चेकिंग नहीं हो पाई जो है, तो 21वें 22वें सप्ताह में जो है भ्रूण प्रवेश कर गया जो है, तो जो ला था अब तक जो रूल थे उसके अनुसार जो है गर्भपात एक विकृत विसंगति आ जाती जो है तो गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इसलिए उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके जो है 24 वीक्स रखा गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जनरल जो है रूल नहीं है, ये चाहे जो केस हो जो है नॉर्मल स्थिति हो तो भी आप गर्भपात करवा लें, ऐसी ये निश्चित नहीं है, बल्कि चिकित्सीय गर्भपात का जो है ये चिकित्सीय परामर्श के आधार पर भी ये गर्भपात कराया जा सकता है जो है 24 वीक्स कर दिया गया। और यहाँ पर एक बात आप सब ध्यान रखिएगा, ये गर्भपात का कोई भी टाइम पीरियड नहीं जो है लागू होता है वहाँ पर जहाँ पर क्रिटिकल पोजीशन होती है, मतलब अपवाद की पोजीशन होती है। मान लीजिए गर्भ जो है भ्रूण 30, 35, 40 जो है वीक्स का चला गया है, तो मतलब 7 महीने 8 महीने जो है 8.5 महीने का भी जो है भ्रूण हो गया हो, लेकिन जान को ये पता चलता है चिकित्सीय परामर्श द्वारा कि जो है माँ के या भ्रूण के जान को खतरा है डिलीवरी होने पर जो है, तो कभी भी मतलब उस पीरियड में भी एबॉर्शन कराया जा सकता है जो है, उसके लिए कोई रूल जो है फॉलो नहीं होता जो है। तो क्रिटिकल पोजिशन में जो है चिकित्सीय परामर्श से कभी भी जो है एबॉर्शन कराया जा सकता है, वहाँ 20 या 24 का कोई रूल लागू नहीं होता। स्टाफ टेली पार्टनरशिप बोर्ड, स्टाफ टेली पार्टनरशिप बोर्ड जो है एक NGO है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है, और ये टीबी फ्री वर्ल्ड के लिए जो है प्रयासरत है विश्व से जो है टीबी का उन्मूलन करने के लिए। और हाल ही में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए जो है टीबी के उन्मूलन की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, फिर भी जो है उन्हें ये टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर बनाने वाले, मतलब इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर बनने वाले ऐसे कौन पहले भारतीय हैं, मतलब जिनके इंस्टाग्राम पर 1000 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, वे क्रिकेट खिलाड़ी जो है विराट कोहली जी, क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली जी हैं। इंस्टाग्राम पर जो है इनके 100 मिलियन फॉलोअर बन चुके हैं, ये इंडिया में ऐसे पहले जो है इतनी बड़ी संख्या जो है फॉलोअर। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल जो है एस्टेब्लिश किया गया है नई दिल्ली में, सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। आई क्यू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जो है सर्वाधिक दुनिया की प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, सर्वाधिक दुनिया की प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। और जब शहर की बात किया जाए तो चाइना का जो है झिनियांग जो है शहर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है जो है। इसमें 30 शहरों की सूची दी गई है जिसमें अपने जो है इंडिया के 22 जो है शहर सर्वाधिक प्रदूषित है, मतलब इस सूची में 30 की सूची में जो है 22 इंडिया के। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, मतलब इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सा स्टेट, देश का कौन सा स्टेट कार्य योजना बना रहा है, उसने जो है घोषणा की है
कि हम इथेनॉल के उत्पादन में जो है इंडिया में फर्स्ट स्टेट बनेंगे। तो ये जो है बिहार में घोषणा की है, बिहार के उद्योग मंत्री जो है शाहनवाज हुसैन ने, क्योंकि बिहार में जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन कम होता था जो है, और सर्वाधिक इथेनॉल प्रोडक्शन अपने यूपी में होता है। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी याद रखिएगा वहाँ की है, ये बिहार सरकार की योजना है। मैत्री से आगे के मैत्री ट्रेंड्स ट्रेंड मैत्री सेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये फेनी नदी पर किया गया है। ये जो है मैत्री सेतु जो है फेनी नदी पर बन रहा है और ये इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है जो है मैत्री से। इसका उद्घाटन जो है त्रिपुरा से, त्रिपुरा के शर्मोन से पीएम मोदी ने और बांग्लादेश से जो है शेख हसीना वाजेद ने किया है। मतलब त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है ये ब्रिज कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। ग्राम उज्ज्वला योजना, ग्राम उज्ज्वला योजना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते रेट पर 10 रुपये पर जो है एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना जो है। आप सब हम लोग जानते हैं कि एलईडी बल्ब में जो है ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है। जो पहले के जनरल बल्ब होते थे पीली रोशनी देते थे, उसमें ऊर्जा जो है बहुत अधिक खर्च होती है और उससे कहीं बेहतर रोशनी जो है एलईडी से जो है प्राप्त होती है, जबकि इसमें बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। मीन्स जो है ऊर्जा की बचत के लिए जो है एलईडी बल्ब स्कीम लाई गई है। जो है शहरों में तो जो है लगभग 90% जो है घरों में एलईडी बल्ब यूज किया जा रहा है, लेकिन गाँव में अब भी जो है एलईडी बल्ब यूजर्स की संख्या बहुत कम है। तो इसे बढ़ावा देने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ग्राम उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत जो है ग्रामीण लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मात्र 10 रुपये में जो है एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। पासपो एक्ट जो है ये बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया है। ये 2012 में जो है पासपो एक्ट जो है बनाया गया जो है पासपो एक्ट पारित हुआ। तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो है रिलेटेड एक्ट है जो है, और इसमें मेन पॉइंट है जुवेनाइल की एज। तो पासपो एक्ट 2012 में जो है जुवेनाइल की एज जो है एज 18 माइनस रखी गई। मीन्स 18 से कम जो है बच्चा है तो उसे जुवेनाइल नाबालिग में जो है सम्मिलित किया जाता था, और उसके द्वारा यदि सेक्सुअल ऑफेंसेस किए गए हैं तो भी उसके लिए जो है कड़े सजा का प्रावधान नहीं था। मतलब नाबालिग को जो सजा दी जाती है, सजा क्या दी जाती है, नाम मात्र की सजा, और उसके लिए जो है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। मतलब सजा से वो वंचित रह जाता है, मतलब सजा उसे नहीं मिलता है, वो सजा से बच जाता है जो है कड़े सजा से। तो ये आपके पास को एक्ट 2012 में जो है 18 माइनस एज जुवेनाइल की थी, लेकिन 2015 में जो है कानून ला करके इसमें जो है संशोधन अमेंडमेंट किया गया और इसमें ये बात जो है डाल दी गई कि 16 से 18 वर्ष तक वो जो है जुवेनाइल में रखा जा सकता है। उसके लिए जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो है रिकमेंडेशन चाहिए। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन दे देता है जो है कि अमुक व्यक्ति या अमुक बच्चा जो है नाबालिग में रखने लायक नहीं है जो है, भले ही उसकी ये 17 है जो है 16.5 है, तो भी उसे जो है बालिग में रख करके कड़े दंड का प्रावधान था जो है। मतलब ये पूरे के पूरे जो है विवेक पर निर्भर किया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो है 2015 की एक्ट के अनुसार। मतलब ये बच्चे की उम्र 16 से 15, 16 से नीचे है तब तो वो जो है कंफर्म ही जो है जुवेनाइल में है,
लेकिन ये 16 से 18 के बीच जो है लाई कर रही है, तो उस बच्चे का अध्ययन करके, उसके जो है शाइकों का अध्ययन करके, स्टडी करके, अपराध का स्टडी करके जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसीजन लेगी कि उसे जो है जुवेनाइल में रखा जाए या एडल्ट में रखा जाए। तो उसके डिसीजन के अनुसार जो है उस कैटेगरी के अनुसार उसे सजा प्रावधानित किया जाता था। लेकिन हाल ही में जो है संसदीय समिति जो है इस पर बैठी थी जुवेनाइल की एज के संबंध में, इस रेफरेंस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के रेफरेंस में, और उसने ये हाल ही में रिकमेंड किया है कि कुछ नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो है कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं, इस तरीके के अपराध या 16 माइनस को ही जुवेनाइल माना जाए। यदि वो 16 एज प्राप्त कर लिया है बच्चा, तो उसे जो है एडल्ट माना जाएगा। मतलब लिमिटेशन क्या रखी गई, 16 साल की लिमिटेशन रिकमेंड की गई है संसदीय बोर्ड की तरफ से। जो इस पर संसदीय बोर्ड बैठी थी उसने रिकमेंड किया है कि 16 से नीचे को ही जुवेनाइल माना जाए। 16 जैसे जो है एज अटेंड हो जाता है उससे, मतलब 16 या 16 प्लस को जो है एडल्ट माना जाएगा, माना जाए, मतलब रिकमेंडेशन किया है। क्योंकि इसमें अध्ययन में पाया गया है, अध्ययन में पाया गया है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अधिकांशतः जो है 16 to 18 जो है ईयर्स के बच्चों द्वारा जो है अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए 16 या 16 प्लस को जुवेनाइल में ना रख करके एडल्ट में रखा जाए, तो उनके लिए दंड, कड़े दंड का प्रावधान है, उनको दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने जो है डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए डेनमार्क से समझौता किया है? तो मित्रों, वो राजस्थान स्टेट है। चिंताल वेंकट रेड्डी एक पर्सनालिटी प्रकाश में आई है। चिंताल वेंकट रेड्डी, तो चिंताल वेंकट रेड्डी जो है कि भारत के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विटामिन डी युक्त चावल और गेहूं की प्रजाति को जो है डेवलप किया है। इसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, और इनकी चर्चा जो है पीएम मोदी ने अपने मन की बात में भी किया था, जो है इनके योगदान की चर्चा की। इसलिए उनको एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो है इनके योगदान की सराहना कर चुके हैं मन की बात प्रोग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, चिंता में वेंकट रेड्डी के हैदराबाद के हैं, विटामिन डी युक्त जो है गेहूँ और चावल की प्रजाति को लग चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली अंडरसी टनल जो है कहाँ स्टेब्लिश की जा रही है? तो वो मुंबई में स्टेब्लिश की जा रही है। ये उत्तर मुंबई और दक्षिण मुंबई को जोड़ने के लिए जो सड़क बन रही है उसका पार्ट है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक में स्थापित किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम ने जो है हाल ही में ये कहा था कि खिलौने का अधिकाधिक उत्पादन अपने देश में भी किया जाए। भारत जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने जो है, वोकल फॉर लोकल जो है, इसलिए जो है खिलौना क्लस्टर पर कहाँ स्थापित किया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कर्नाटक में विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर स्थापित किया जा रहा है। इंद्रधनुषी आकार में रेनबो जो है LSTV और RSTV लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल्स जो हैं उनको विलय करके कौन सा नाम दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, संसद टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके जो है संयुक्त नाम संसद टीवी रखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दोनों ही चैनल डिलीट किए जाएंगे, ये दोनों ही चैनल बने रहेंगे जो है और आगे रहेंगे, आप सब प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन इसका जो है संयुक्त नाम जो है संसद टीवी कर दिया गया है। एक थाली एक तरकारी योजना ये यूपी गवर्नमेंट की इंटरेस्टिंग और जो है इम्पॉर्टेंट योजना है, जो है ये बुंदेलखंड के किसानों के लिए या शहर के लोगों, वहाँ शहरी वासियों के लिए लॉन्च की गई है। बुंदेलखंड में जो है
सब्जी की खेती पहले होती थी, लेकिन विगत कुछ सालों से जो है सब्जी की खेती में किसानों को जो है आर्थिक नुकसान हो जाता था, इसलिए वो सब्जी की खेती छोड़ दिए जो है और खाद्यान्न की खेती पर अधिक जोर दिए लगे। इसलिए इससे क्या प्रॉब्लम हुई, वहाँ के शहरवासियों को जो है सब्जी दूर दराज के स्थानों से बहुत महंगे दाम पर जो है मंगाना पड़ता था या उनको सब्जी अवेलेबल ही नहीं हो पाती। तो इस कमी को दूर करने के लिए, सब्जी के प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक थाली एक तरकारी योजना जो है आरंभ की कि स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, बुंदेलखंड के लोगों को वो स्थानीय स्तर पर जो है सब्जी की खेती करें जो है, जिससे शहरवासियों को भी खेती मतलब गुणवत्तापूर्ण सब्जी कम दाम पर ही जो है मिल सके और वहाँ के किसानों को भी फायदा हो सके। मतलब कुछ सब्जी का जो नुकसान होता था उसके लिए जो है उन्हें संरक्षण दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, दवाइयों का छिड़काव को बढ़ावा दिया जाए आदि आदि, मतलब स्कीमें जो है अपनाई जाए सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा ये बुंदेलखंड की योजना है, एक सरकारी योजना किसान उदय योजना, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट की भी योजना है किसान उदय योजना जो है, ये इरीगेशन के क्षेत्र के लिए जो है किसानों के इरीगेशन क्षेत्र के लिए ये योजना लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो पुराने पंप हैं जिनसे सिंचाई होती है, कहाँ सिंचाई जो है गाँव में खेतों में जो है पंप से होती है, पंपिंग सेट से होती है, तो जो किसानों के जो है पहले के पंप हैं जो है वो कम गुणवत्तापूर्ण है, मतलब उतना अधिक जो है वाटर सप्लाई नहीं करते हैं जो है, तो उसको जमा करके एजेंसियों पर जो है नए अपडेट जो है अच्छी क्वालिटी का अधिक शक्तिशाली जो है पंप को बिना किसी मतलब शुल्क के यूपी गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रदान करेगी। तो मतलब ये सुविधा जो है यूपी के किसानों को देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। पुराने पंप के बदले उच्च गुणवत्ता युक्त अधिक शक्तिशाली जो है पंपिंग सेट देना। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो रानी खेत में सुरम्य स्थल जो है सुंदर सा प्लेस जो है उत्तराखंड के रानी खेत में जो है ये वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यंग ग्लोबल लीडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है किसको उसकी सूची में जो है किस भारत की को सम्मिलित किया गया है, तो याद रखिएगा मित्रों दीपिका पादुकोण। वर्ल्ड यंग ग्लोबल लीडर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सुगम्य भारत एप, ये केंद्र सरकार का एप है जो है सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने लॉन्च किया है। ये दिव्यांगजनों को जो है दिव्यांगजनों के लिए जो बहुत सारी सुविधाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई हैं उनकी जानकारी एक मंच पर एक ऐप पर प्रदान करने के लिए जो है ये सुगम्य भारत ऐप है। और इस ऐप की सहायता से दिव्यांगजन जो है शिकायतें भी जो है लोड कर सकते हैं, जो है शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, मतलब जैसे पुलिस विभाग शिक्षा विभाग जो है या किसी प्लेटफार्म पर गए, रेलवे में गए या श्रम विभाग में गए, ट्रेजरी में गए, उन्हें ये असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपनी जो है कंप्लेन इस एप के माध्यम से जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और यथासंभव उनका उपचार किया जाएगा। तो याद रखिएगा सुगम्य भारत एप जो है नाइट सफारी नेशनल पार्क जो है हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्कों को जो है नाइट सफारी के लिए घोषित कर दिया गया, नाइट सफारी पार्क का दर्जा दिया गया, मतलब अब उन पार्कों में जो है नाइट सफारी अवेलेबल रहेगी, नाइट सफारी की सुविधा दी गई जो है। तो ऐसे कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान एमपी के हैं, जो है पेश कान्हा और बांधवगढ़, याद रखिएगा मित्रों क्योंकि पिछले लेक्चर में बांधवगढ़ के स्थान पर जो है बांदीपुर बता दिया गया था भूल से, तो लेकिन बांदीपुर जो है नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बांदीपुर नहीं है, बांधवगढ़ जो एमपी का है। तो याद रखिएगा नेशनल पार्क पेश कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो एमपी में अवस्थित हैं, इनमें नाइट सफारी आरंभ कर दी गई है। 150 स्मार्ट क्लासरूम
125 स्मार्ट क्लासरूम जो है एस्टेब्लिश करने वाला जो है पहला कौन सा यूनिवर्सिटी है, इंडिया का बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है ऐसा पहला यूनिवर्सिटी है जो 125 स्मार्ट क्लासरूम लॉन्च किया है। कली वेली रेट वर्ल्ड सेंचुरी जो है बनाया जा रहा है, कली वेली रेट को वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और ये जो है कहाँ कली वेली रेट जो है तमिलनाडु के, मतलब ये लेक है, झील है, आर्द्रभूमि है, खारे पानी की झील है, इसे वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। और याद रखिएगा भारत की जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है एक बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील बनाई गई है जो भाखड़ा नांगल के निकट जो है पंजाब में लाई गई है। आगे महिला बटालियन यूपी सरकार ने जो है महिला योद्धाओं तीन महिला योद्धाओं के नाम पर जो है पीएससी की तीन बटालियन स्टेब्लिश करेगी, तीन महिला बटालियन जो है स्थापित करेगी। वो ऐसी कौन सी भारतीय योद्धाएं वीरांगनाएं हैं, अवंती बाई, ऊदा देवी और छलकारी बाई जो है। मित्रों ये भारत की तीन वीरांगनाएं हैं जिसने की भारत की स्वाधीनता संग्राम में जो है रानी लक्ष्मी बाई की तर्ज पर जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अंग्रेजों के दांत इकट्ठे कर दिए थे। तो याद रखिएगा अवंती बाई, ऊदा देवी और छलकारी बाई तीन महिला वीरांगनाओं के नाम पर जो है यूपी गवर्नमेंट जो है तीन पीएससी बटालियन स्टेब्लिश कर रही है। कौन राज्य वन धन विकास कार्यक्रम में अग्रणी रहा, मणिपुर राज्य जो है वन धन विकास कार्यक्रम ये जनजातियों के लिए स्कीम है जो कि अपने जीविका के लिए वनों या वनीय उत्पादों पर ही डिपेंड करते हैं, तो उनके जो है विकास के लिए जो है इस रेफरेंस में जो है बंधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने में जो है कौन सा जो है राज्य अग्रणी रहा, तो ये मणिपुर राज्य। भिखारियों की एक रिपोर्ट आई है जो है उसमें भिखारियों की सर्वाधिक संख्या जो है किस स्टेट में है, तो पश्चिम बंगाल स्टेट में है, नियर अबाउट 86,000। और इंडिया में भिखारियों की संख्या जो है 4,00,000 तक है। ASU अवार्ड जो है किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, तो अपने देश में जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को जो है ASU अवार्ड प्रदान किया गया। ASU अवार्ड जो है मतलब सर्विस के लिए ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है, मतलब कौन सा एयरपोर्ट है जो यात्रियों को टूरिस्ट को पैसेंजर्स को जो है बेहतर सुविधाएँ बेहतर जो है सर्विसेज प्रदान कर रहा है, तो एक ऐसा स्पोर्ट जो है देश का जो है अपने देश का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद है जो ASU जो है अवार्ड प्राप्त किया है। केन बेतवा नदी लिंक योजना हो गई है और इसमें ये ऐसी कौन सी योजना है, तो केन नदी मतलब मध्य प्रदेश की जो केन बेतवा है, केन नदी के सरप्लस जल को जो है बेतवा इस समझौते के तहत बेतवा नदी में जो है सप्लाई किया जाएगा, और इस सरप्लस जल से केन नदी के जो कि बेतवा में आएगा वो बुंदेलखंड पर क्षेत्र के किसानों को जो है सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी, उससे जो है बुंदेलखंड के किसान जो है उससे सिंचाई कर सकेंगे। तो ये MP और UP की समझौता है, केन बेतवा लिंक समझौता केन बेतवा परियोजना जो है। इंडो कोरियन मैत्री पार्क, इंडो कोरियन जो है मैत्री पार्क जो है कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, ये नई दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। हिंद महासागर की निगरानी के लिए जो है कौन सा सेटेलाइट इसरो ने जो है लॉन्च किया है, तो ये सिंध नेत्रा सेटेलाइट हिंद महासागर पर क्षेत्र की निगरानी के लिए जो है इसरो ने सिंध नेत्र जो है सेटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार जो है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित स्टेट कौन सा है, जो है हाल ही के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का सर्वाधिक प्रदूषित स्टेट कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा, यूपी और दिल्ली, मतलब ये क्रोनोलॉजी है सर्वाधिक जो है प्रदूषित
स्टेट स्टेट उड़ीसा, उसके बाद यूपी, फिर दिल्ली का नाम बना। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल पोर्शन, मतलब ये हम लोगों के लगभग लगभग मार्च महीने के नेशनल पोर्शन के सभी पैक इसमें आ गए हैं। अब हम लोग जो है मूव करते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटीज पर। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? ये सिंगापुर में, और अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है बताया जा चुका है ये तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया की हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति जो है कौन निर्वाचित हुई है? तो सानिया सुलुहु हसन, सानिया सुलुहु हसन जो है तंजानिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति जो है हुई है। 2020 में साइबर अटैक के मामले में जो है नंबर वन कंट्री कौन रहा, मतलब किस कंट्री में जो है 2020 में सर्वाधिक साइबर अटैक हुए, तो ये जापान है, उसके बाद अपना इंडिया का नंबर आता है। 10 लाख की करेंसी, हाल ही में 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का कौन सा पहला देश है जो है? तो ये मित्रों वेनेजुएला राज्य है, जो अपनी आर्थिक तंगहाली आर्थिक बदहाली के चलते जो है उसे 10 लाख की करेंसी नोट जो है जारी करना पड़ा, और वहाँ पर आर्थिक स्थिति मतलब बदहाली इस स्थिति की है कि वेनेजुएला के नागरिक जो है वेनेजुएला से पलायन कर रहे हैं। महंगाई इतनी बड़ी इतनी अधिक वहाँ पर हो गई है, कारोबार जो है एकदम ठप पड़ गया है, आर्थिक गतिविधियाँ जो है एकदम डाउन हो गई है। तो 10 लाख की करेंसी जो वेनेजुएला का 10 लाख का नोट लॉन्च हुआ है अपने यहाँ वो 36 रुपये के बराबर है, मीन्स जो है 36 रुपये में जो है कायदे से हरी सब्जी 1 किलो हरी सब्जी ही नहीं मिल पाएगी जो है इस समय। तो समझ लीजिए 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये की जो है अपने यहाँ 1 किलो सब्जी भी मुश्किल से मिल पाएगी, तो ये 10 लाख की कीमत वहाँ है। तो आप समझ लीजिए कि वेनेजुएला में महंगाई किस स्तर तक बढ़ गई है, वहाँ के नागरिक इस कारण पलायन कर रहे हैं, और यूएस से ने वहाँ के नागरिकों को कानूनी शरण प्रदान करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड स्टेट के जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हाल ही में कौन अध्यक्ष बनाए गए, तो थॉमस वान जो कि अध्यक्ष पहले थे और इनका एक तरीके से रिन्यूबल हो गया, पुनः जो है अध्यक्ष बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। शिडवी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो क्रोनोलॉजी है जो है सर्वाधिक सऊदी अरब, उसके बाद अपना इंडिया। शिडवी की रिपोर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश जो है हथियार आयातक देश सऊदीया और इंडिया, इंडिया से कैसे नंबर है। हाल ही में सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा जो है सांगे ज्वालामुखी इक्वेडोर में, और सिनी वेग ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है, और ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। सांगे ज्वालामुखी इक्वेडोर दक्षिण अफ्रीका जो है, और सिनी वेग जो है इंडोनेशिया में। हाल ही में इन दोनों ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुए हैं। पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन है? तो रूस के मित्रों जो है टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर स्थान बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है जो है? तो इलियट पेज दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर जो प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के जो है फ्रंट पेज पर उनका फोटो छपा हाल ही में, तो इलियट पेज जो है इलियट पेज। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष कौन बनाई गई है? नौरीन हसन, इंडियन मूल की जो है महिला नौरीन हसन जो है यूएस के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की अध्यक्ष बनने वाली जो उपाध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। भारत ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ जो है। यूएनजीए ने यूनाइटेड नेशन
जनरल असेंबली ने भारत के प्रयासों से जो है किस ईयर को मिलेट ईयर मोटे अनाज का वर्ष जो है डिक्लेयर किया है, तो ये 2023 2023 को जो है 20 वर्ष 2023 को UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने भारत के प्रयासों से 2023 को जो है मिलेट ईयर मोटे अनाज मीन्स ज्वार बाजरा मक्का कोदो जौ आदि आदि जो है मोटे अनाज हैं, तो मोटे अनाजों का वर्ष जो है 2023 को इंडिया के प्रस्ताव से डिक्लेयर किया गया है। कोवैक्सीन भारत की जो स्वदेशी COVID-19 की वैक्सीन है कोवैक्सीन जो है इसे दुनिया का कौन सा जो है पहला राज्य अधिकृत किया मंजूरी प्रदान किया, तो मित्रों को जिम्बाब्वे राष्ट्र है जिम्बाब्वे देश ने अपने यहाँ की कोवैक्सीन को सबसे पहले आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान किया जो है। आगे आते हैं अब हम सब जो है इंडेक्स पर सूचकांक पर जो है सूचकांक सेक्टर इंडेक्स सेक्टर पर हम लोग मूव कर रहे हैं जो है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है पब्लिश हुआ है, इसमें अपने इंडिया जो है 121वीं पोजीशन पर है और लीडिंग कंट्रीज कौन है सिंगापुर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडिया 121वें नंबर पर और लीडिंग कंट्रीज सिंगापुर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया है। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने के क्षेत्र में कौन से देश अग्रणी है, मतलब पुरुषों के समान अधिकार महिलाओं को देने के रेफरेंस में जो है जहाँ पर महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं जो है, तो इस क्षेत्र में अग्रणी देश कौन सा है, तो बेल्जियम और फ्रांस, बेल्जियम नंबर एक पर फ्रांस नंबर दो पर और अपना इंडिया जो है 123वें नंबर पर है महिलाओं को पूर्ण अधिकारिता प्रदान करने के क्षेत्र में दिशा में जो है। लिविंग इंडेक्स में हाल ही में जो है लिविंग इंडेक्स पब्लिश हुआ है इंडिया के लिए जो है, तो इसके दो कैटेगरीज हैं मतलब 1 मिलियन प्लस और 1 मिलियन तक, मतलब 1 मिलियन 10 लाख से अधिक जो है जो शहर हैं ऐसे शहरों में मतलब बेहतर लिविंग के लिए जीने के लिए जो है सुगमतापूर्ण सुगम कौन है मतलब सुविधाएं जीवन के लिए जो सुविधाएं जो है जीने के लिए रहने के लिए जो सुविधाएं होती हैं ऐसे किन शहरों में जो है अधिकाधिक अवेलेबल हैं, तो ये जो है 1 मिलियन मतलब 10 लाख प्लस जो है जनसंख्या वाले शहरों को देखा जाए तो पहला स्थान बेंगलुरु पुणे अहमदाबाद, बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पर पुणे सेकेंड नंबर पर अहमदाबाद जो थर्ड नंबर पर। इन शहरों की जनसंख्या मतलब 1 मिलियन 10 लाख से अधिक है, तो लिविंग इंडेक्स मतलब रहने के लिए जीवन यापन के लिए बेहतर सुविधाओं में नंबर एक जो है शहर बंगलौर, नंबर दो पुणे, नंबर तीन हैदराबाद और यदि 1 लाख तक की जनसंख्या मतलब 1 लाख या 1 लाख एक मतलब 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम 10 लाख जनसंख्या तक के मतलब उससे छोटे शहर जो है 10 लाख से छोटे शहर जो है जहाँ की आबादी मतलब 10 लाख तक को जो है उन शहरों में जो है लिविंग इंडेक्स में कौन सा जो है स्थिर पर रहा, तो शिमला भुवनेश्वर सिलवासा मतलब 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में जो है शिमला सबसे बेहतरीन शहर है जो है जीवन यापन के लिए, उसके बाद भुवनेश्वर फिर सिलवासा, तो ध्यान रखिएगा जो है 10 लाख प्लस वाले में नंबर एक पर बंगलौर और 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में जो है शिमला। आगे बढ़ते हैं UNEP की रिपोर्ट आई है जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है ये फूड वेस्ट इंडेक्स जो है ये प्रकाशित किया है मतलब दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जो खाने की बर्बादी करते हैं भोजन की वेस्टिंग करते हैं जो है, तो प्रति वर्ष जो है वर्ल्ड लेवल पर 17% जो है खाना भोजन जो निर्मित भोजन है वो फेंक दिया जाता है बर्बाद कर दिया जाता है और सर्वाधिक जो है बर्बादी चाइना में होती है, चाइना में 64 किलो मतलब पर एनम पर पर्सन
मतलब एक व्यक्ति एक साल में जो है 64 किलो खाद्य की भोजन की बर्बादी चाइना में कर देता है। यूएसए सेकंड नंबर पर है, वहाँ एक व्यक्ति जो है 59 किलो साल भर में जो है खाने की वेस्टेज करता है, और अपना जीविका जो है 50 किलो, मतलब हम जो है एक साल में जो है 50 किलो भोजन की बने बनाए भोजन की पके पकाए भोजन की बर्बादी कर देते हैं। तो सोचिए भोजन की बर्बादी कितनी अधिक हो रही है। क्रिप्टो करेंसी बताया गया है कि आभासी करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट की करेंसी है। इसका भौतिक रूप में जो है रुपया, डॉलर, रूबल, येन की तरीके से कोई फिजिकल जो है अस्तित्व नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आभासी मुद्रा है जो है क्रिप्टो करेंसी जो है। ये इंटरनेट की करेंसी है और इंटरनेट के माध्यम से इसके द्वारा सामानों की खरीद बिक्री क्रय विक्रय हो जाता है जो है, और इसकी कोई गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी का एक समूह है, एक समूह का नाम है, एक बास्केट का नाम है क्रिप्टो करेंसी, और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की जो है आभासी मुद्राएं आती है, जिसमें बिटकॉइन, डॉगे कॉइन आदि सभी हैं। जिसमें नंबर एक पर इस समय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन चल रहा है, और अपना इंडिया जो है इस क्रिप्टो करेंसी से दूर रहना चाहता है, इसे अपनाने से परहेज कर रहा है विभिन्न कारणों से, क्योंकि इसमें इंटरनेट धोखाधड़ी जो है संभावना भी रहती है। तो इंडिया पूरे इंडिया की अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है अपने देश में इस स्टेट में अरबपतियों की संख्या जो है सर्वाधिक है, जो है करोड़पति या अरबपति अमीर लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो है स्टेट महाराष्ट्र है। सिप्री की रिपोर्ट हथियार निर्यातक देशों की जो है सिप्री ने जो है रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने जो है हाल ही में जो है हथियार निर्यातकों की निर्यातक देशों की सूची जारी की है। तो सबसे अधिक हथियार निर्यात जो है यूएसए करता है, उसके बाद रशिया, फिर फ्रांस जो है। याद रखिएगा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार हाल की रिपोर्ट के अनुसार जो है किस देश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार है, तो ये है आपका चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है चाइना में है, उसके बाद जापान, फिर स्विट्जरलैंड, और अपना इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पर जो है विदेशी मुद्रा भंडार के परिप्रेक्ष्य में जो है। आगे आते हैं अब हम सब अवार्ड, विविध जो है इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है मार्च महीने में आप लोगों को स्थिति कराए हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं। किस भारतीय हीरो को इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ फिल्म अचीवर्स अवार्ड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीवर्स अवार्ड जो है फिल्म अचीवर्स अवार्ड जो है इंटरनेशनल स्तर का अवार्ड है, जो है इंटरनेशनल फेडरेशन है जो है, और फिल्म के लिए एक हेरिटेज फेडरेशन बना है जो है। तो ये पुरस्कार जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अचीवर्स अवार्ड 2021 ये किसको प्रदान किया गया है, ये पहले भारतीय अमिताभ बच्चन, मतलब पहले ऐसे भारतीय हैं अमिताभ बच्चन जी जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो है इस योगदान के लिए, ये फिल्मी विरासत को संरक्षित करने के लिए, फिल्मों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको संरक्षित करने के लिए, मतलब उनके संरक्षण में जो है योगदान देने वाले, प्रयास करने वाले जो है उत्कृष्ट व्यक्तियों को ये उत्कृष्ट जो है अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जो है फिल्म अचीवर्स अवार्ड जो है ये प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में अपने अमिताभ बच्चन को जो है प्रदान किया गया है, और वो फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब जो इस फिल्मी चीज़ों को संरक्षण देने के लिए जो संस्था जो है इस्टेब्लिश है जो है इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन जो है उसके अमिताभ बच्चन जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मीस जो है
फिल्मी चीजों को संरक्षित करने में जो है इनका काफी कुछ उत्कृष्ट योगदान है, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, गांधी शांत पुरस्कार, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है, क्योंकि परीक्षाओं में जो है अक्सर गांधी शांत पुरस्कार पूछा ही जाता है जो है। तो 2020 के लिए घोषणा की गई है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने 28 मार्च 1971 को बांग्लादेश के स्वाधीनता की घोषणा की जो है और बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने में जो है शेख मुजीबुर रहमान का जो है अच्छा योगदान रहा है। तो उनके इस योग मानवता की सेवा के लिए, उनके इस योगदान के लिए जो है स्वर्गीय शेख मुजीबुर रहमान को जो है 2020 का गांधी शांत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है और उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद जो है वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम। इसके साथ ही 2019 के गांधी शांत पुरस्कार की भी घोषणा की गई है और ये घोषणा इसको प्रदान करने के लिए की गई है कबूस बिन सैद अल सैद जो है, याद रखिएगा ये ओमान के जो है पूर्व सुल्तान हैं, ये भी दिवंगत है। तो 2020 और 2019 गांधी शांत पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई, 2020 का दिवंगत जो है शेख मुजीबुर रहमान को और 2019 को जो है ओमान के सुल्तान शेख कबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है बेस्ट हिंदी फिल्म शिशोरे, ये सुशांत की फिल्म है जो है, सुशांत सिंह राजपूत जो है जो विगत में जिनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ जो है विवादित चल रही है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म शिशोरे सुशांत की जो है और डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर संजय बोरे सिंह चौहान, एक्टर मनोज बाजपेयी जो है भोसले फिल्म के लिए और एक्टर धनुष मतलब दो बेस्ट एक्टर्स जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में है, मनोज बाजपेयी और धनुष को अपूर्ण फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर्स जो है कंगना रानौत के मर्तणिका और पंगा फिल्म में जो है अभिनय करने के लिए। तो याद रखिएगा बेस्ट हिंदी फिल्म शिशोरे, डायरेक्टर संजय पूरे सिंह चौहान, एक्टर मनोज बाजपेयी और धनुष, एक्ट्रेस कंगना रानौत, ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये प्रतिष्ठित फिल्म क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बेस्ट फिल्म ड्रामा क्षेत्र में नो मैडलैंड ने जो है ऑस्कर पुरस्कार में भी विजेता हुई है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट फिल्म ड्रामा क्षेत्र में नो मैडलैंड, डायरेक्टर चलोए छाओ और इन्होंने डायरेक्ट किया है नो मैडलैंड फिल्म को जो है, ये चीनी है, चलोए छाओ जो है चीन के रहने वाले हैं, नो मैडलैंड के डायरेक्टर यही है। तो बेस्ट डायरेक्टर चलोए छाओ, एक्टर चैडविक बोसमैन और एक्ट्रेस एंड्रा डे, याद रखिएगा एंड्रा डे, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात थी। ग्रैमी अवार्ड 2021 ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत क्षेत्र का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्तर का जो है अवार्ड है, जो है ये संगीत क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसमें एल्बम ऑफ ईयर फोकलोर, एल्बम ऑफ ईयर फोकलोर और सर्वाधिक चार जो है अवार्ड, सर्वाधिक फोर अवार्ड जो है ग्रैमी अवार्ड जो है किसने जीता, बियॉन्से ने जो है सर्वाधिक चार ग्रैमी अवार्ड जीते और एल्बम ऑफ द ईयर जो है फोकलोर, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। साहित्य जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने देश का जो है व्यास सम्मान, व्यास 2020 जो है प्रोफेसर शरद पगारे जो है ये पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनकी रचना है जो है, इन्हें
उन्हें प्रदान किया गया है। सरस्वती डॉक्टर शरद कुमार लिंबाले मराठी उपन्यासकार, ये व्यास सम्मान हिंदी साहित्यकार प्रोफेसर शरद पवार पधारे पाटलिपुत्र की साम्राज्य की ओर है। उसके बाद सरस्वती 2020 मतलब सरस्वती मिस अवार्ड जो है डॉक्टर शरद कुमार लिंबाले मराठी उपन्यासकार, इनकी जो है वो सनातन है, जो है सनातन बुक है जो है उसके लिए प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पंडित ये विविध भाषाओं में 22 भाषाओं प्लस अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पंडित 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया है। इनका जो है कविता संग्रह है, जो है कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है अनामिका की जो है, तो हिंदी के लिए अनामिका को और कन्नड़ के लिए जो है वीरप्पा मोइली पूर्व सीएम कर्नाटक, वरिष्ठ राजनीतिक पूर्व सीएम कर्नाटक जो है इनको कन्नड़ भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और इन्होंने जो है कन्नड़ भाषा में महाकाव्य की रचना की है, जो है उसके लिए प्रदान किया गया है। सेरावी ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व अवार्ड जो है ऊर्जा क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने के लिए सेरावी ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है अपने पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये किसे मिला है जो है जगन्नाथ रेड्डी, एम जगन्नाथ रेड्डी जो है सीएम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जगन्नाथ रेड्डी को जो है प्रदान किया गया है। तो ये मार्च महीने के प्रमुख प्रमुख जो है अवार्ड थे, जिनको अब आगे हम मूव करते हैं जो है साइंस सेक्टर पर। साइंस मार्च महीने से रिलेटेड जो साइंस का सेक्टर है, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभियान करने वाला प्रथम देश, अंतरिक्ष में मतलब जल में और स्थल पर तो जो सैन्य अभ्यास आए दिन होते ही रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो है सैन्य अभ्यास करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बना मित्रों, ये फ्रांस बना, जिसने दुनिया के सामने अपनी जो है सैन्य शक्ति का परिचय दिया और अंतरिक्ष में सैन्य अभियान किया। इसरो इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता करके 2024 में जो है चंद्रमा पर ल्यूपेक्स अभियान करेगा। ल्यूपेक्स यान जो है ल्यूपेक्स नाम से अभियान करेगा और उसमें रोबोटिक भेजे जाएंगे, रोवर भेजे जाएंगे जो है, वे जापान की जाक्सा एजेंसी के साथ इसरो ने समझौता किया है। ये 2024 में जो है ल्यूपेक्स चंद्र मिशन लॉन्च करेगा। सिंथेटिक डिपार्चर रडार विकसित करने वाला इसरो जो है सिंथेटिक डिपार्चर रडार जो है डेवलप किया है, ये किसके सहयोग से, ये नासा के सहयोग से, निसार एनएस नासा इसरो साइंटिफिक डिपार्चर रडार इसरो ने जो है बनाया है डेवलप किया है। ये किस एजेंसी की सहायता से जो है यूएस की जो है नासा की सहायता से, और ये बहुत ही जो है सूक्ष्म भेदी जो है डिपार्चर रडार है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर तक की दूरी के जो है विश्लेषण कर लेता है, जो है क्लेरिफिकेशन कर लेता है 1 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब 1 सेंटीमीटर पर जो है वातावरण में या भूमंडल पर कैसी परिस्थितियों में चेंजिंग आ रही है इसका भी विश्लेषण कर लेता है। जो है ये साइंटिफिक डिपार्चर रडार मतलब बहुत विभेदनकारी जो है 1 सेंटीमीटर तक की विभेदनकारी जो है ये साइंटिफिक रडार है। तो ध्यान रखिएगा इसरो ने जो है ये डेवलप किया है अमेरिका नासा की सहायता से। जियो इमेजिंग सेटेलाइट GIS-81 लॉन्च कौन इसरो करेगा, जो है कहाँ से जो है 2021 में जो है श्री हरिकोटा सतीश धवन हरिकोटा से जो है जियो इमेजिंग सेटेलाइट GIS-81 जो है इसरो कहाँ से लॉन्च करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा सतीश धवन स्पेस एजेंसी हरिकोटा से। SFDR
सॉलिड्यूड जस्टिस रैंजेड SFDR जो है सॉलिड्यूड जस्टिस रैंजेड जो है ये एक तकनीक है जो है ये एक प्रोसेस है ये एक तकनीक है SFDR जो है जिसका परीक्षण जो है हाल ही में इंडिया ने कर लिया है और इस SFDR तकनीक की सहायता से मित्रों जो है लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल जो है बनाए जाते हैं डेवलप किए जाते हैं SFDR तकनीक से और दूसरे जो छोटे दूरी की एयर टू एयर जो है शॉर्ट रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल है उनकी भी जो है एक्सटेंड करके जो है रेंज बढ़ा करके जो है लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल में चेंज किया जा सकता है इस SFDR तकनीक से जिसका कि हाल ही में परीक्षण इंडिया ने कर चुका है मतलब अब इंडिया आसानी से जो है लंबी परास का लंबी दूरी का लंबी रेंज का जो है एयर टू एयर मिसाइल जो है डेवलप करने में सक्षम हो चुका है जो है रशिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है इस देश के सहयोग से चाइना के सहयोग से यहाँ ये ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो नाम है हम लोग पढ़ते हैं जो है वो नाम भले है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लेकिन वो जो है यूएस का संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन है और रशिया भी अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और उसमें सहयोगी देश कौन है चाइना याद रखिएगा इसरो ने 19 PSLVC 51 से जो है 28 फरवरी 2021 को जो है 19 सेटेलाइट को लॉन्च किया है जिसमें जो है अमेजोनिया ब्राजील का एक सेटेलाइट है और 13 सेटेलाइट जो है यूनाइटेड स्टेट के है तो बहुत ज़्यादा सेटेलाइट है 19 सेटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है जो है 28 फरवरी 2021 को तो ध्यान रखिएगा जो है इसमें 13 सेटेलाइट यूनाइटेड स्टेट का था और एक सेटेलाइट जो है ब्राजील का अमेजोनिया का विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर इस समय कौन है वर्तमान में तो फुगो को याद रखिएगा फुगो को जापान का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली सैटेलाइट है सर्वाधिक सैटेलाइट सुपर कंप्यूटर है शक्तिशाली और अपने देश का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर इस समय परम सिद्धि है जो विश्व में जो है विश्व रैंकिंग में 63वें नंबर पर है परम सिद्धि 63वें नंबर पर अपना देश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर और जो है विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है ये फुगाकू है तो इस तरीके से हम लोगों के ये साइंस टेक के पोर्शन थे जो है हम लोग साइंस टेक का पोर्शन पढ़ रहे थे किस देश ने 18 देशों के 38 उपग्रह को लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की है तो किस देश ने घोषणा की है मतलब 18 देशों के 38 उपग्रह को वो लॉन्च करेगा तो ये कौन सा देश है जो है रशिया ने घोषणा की है आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी जो है स्पोर्ट्स सेक्शन को जो है डील कर लेते हैं प्रमुख स्पोर्ट्स सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 7000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर जो है मिताली राज हुई है मिताली राज भारत की जो है पहले महिला क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल जो है क्रिकेट की दुनिया में जो है हाल ही में 7000 रन पूरे कर ली हैं 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2021 में जो है आयोजित होगा इंडिया में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है किस देश ने ये खिताब जो है अपने नाम किया है न्यूजीलैंड ने जो है इंडिया को पराजित कर दिया तो आईसीसी वर्ल्ड स्टेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले हाल ही में तीसरे खिलाड़ी कौन बने जो है तो पहले हर्षल गिब्स थे इसके बाद युवराज सिंह अपने देश के और हाल ही में किरण पोलार्ड जो है ये
वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले। तो सबसे पहले ये उपलब्ध हर्षल गिब्स ने प्राप्त की, उसके बाद युवराज सिंह ने, और हाल ही में जो है ये श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज के जो है कीरान पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के, मतलब हर एक जो है हर गेंद पर 6 छक्के जो है एक ओवर में ये उपलब्ध कीरान पोलार्ड ने हासिल की है। विश्व मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है जो है एस मैरीगाम। एस मैरीगाम जो है बॉक्सिंग विश्व मुक्केबाजी संघ की जो है हाल ही में अध्यक्ष बनी है जो है। और मित्रों ये 6 बार जो है बॉक्सिंग की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं जो है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, देश का सर्वोत्कृष्ट खेल पुरस्कार, और तीनों नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। ये अपने देश की जो है गर्व है, जो है गर्व की बात है, जो है अपने देश को इस मैरीगाम पर नाज है जो बॉक्सिंग में 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और तीनों नागरिक सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी संघ का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। यूनेक्स स्विस ओपन 2021 का खिताब इसने जीता, यूनेक्स स्विस ओपन 2020। तो विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने जो है अपने देश की पीवी संधू को हरा करके जो है यूनेक्स स्विस ओपन 2020 का खिताब जो है अपने नाम किया है। इंडियन वुमेन लीग 2020 कहाँ आयोजित होगा, इंडियन वुमेन लीग 2020 जो है कहाँ पर आयोजित होगा, ये उड़ीसा में आयोजित होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा, कौन मेजबानी करेगा, तो ये नई दिल्ली, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है नई दिल्ली में आयोजित होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, ये बंगलुरु में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। और हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो है पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो ये प्रमुख प्रमुख जो है खेल की न्यूज थी, फैक्ट थे जो है स्पोर्ट जगत के जो कि इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग अवार्ड भी कर चुके, खेल भी कर चुके जो है नेशनल इंटरनेशनल पोर्शन भी कर चुके, और खेल की जगत में इम्पॉर्टेंट जो है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहली महिला फेंसर जो है कौन थी, भवानी देवी। भवानी देवी जो है पहली महिला फेंसर, मतलब तलवारबाज, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। इसके बाद कुछ बुक्स है, डिफ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, डिफ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। फ्रंटियर गांधी मीन्स खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, और ये बहुत ही शालीन व्यक्तित्व महात्मा गांधी की तरीके से, और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में बहुत अधिक योगदान करने वाले व्यक्तित्व थे फ्रंटियर गांधी, जो कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे। फ्रंटियर गांधी जो है नॉर्थ ईस्ट नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, उत्तर पूर्वी एरिया जो है, तो वहाँ पर जो है इनका कर्म क्षेत्र रहा स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए, अतुलनीय संघर्ष किए, इन्हें जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल हाल ही में पुस्तक जो है रिलीज हुई, इम्तियाज अहमद साहेबजादा ने जो है ये लिखा है, इनकी पुस्तक है। अनंत विजय पुस्तक जो है, अनंत विजय ने जो है इनकी कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी जो है अनंत विजय की पुस्तक लॉन्च हुई है। और पीएम ने किसकी, भगवद गीता का जो है हाल ही में इंटर वर्जन जो है जारी किया है, लॉन्च किया है। किसकी, भगवद गीता का जो है
किंडर वर्णन लांच वर्णन लांच किया है जो है, तो याद रखिएगा मित्रों स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद का नाम आप लोगों ने जो है सहजता से सुन रखा होगा जो है। तो इनकी भगवद गीता की किंडर वर्णन का लांच जो है हाल ही में पीएम मोदी ने किया। तो तीन बुक्स याद रखिएगा, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इम्तियाज अहमद शाहजादा डायनेस्टी टू डिमोक्रेसी अनंत विजय, और भगवद गीता की किंडर गार्डन वर्तन जो है स्वामी चिन्मयानंद की। इसके बाद विविध विविध फैक्ट जो है, मतलब जो बचे के फैक्ट विविध सेक्टरों के किसी तरीके से अवशेष रह गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कुपोषण से निपटने लिए समर अभियान किस स्टेट ने चलाया है जो है, समर अभियान कुपोषण से निपटने के लिए भारत का कौन सा स्टेट जो है समर अभियान चलाया है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा झारखंड। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये स्वास्थ्य सेक्टर के लिए है, 5 लाख तक के जो है इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर में अपने राज्य के सभी नागरिकों को जो है प्रदान करने वाला कौन सा स्टेट है जो है, यह राजस्थान सरकार की योजना है चिरंजीवी योजना। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर बनाया गया है, ये श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में डेवलप किया गया है। एशिया मनी द्वारा भारत के इस बैंक को सर्वश्रेष्ठ जो है SME जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो एशिया मनी द्वारा भारत के इस बैंक को जो है सर्वश्रेष्ठ SME इंटरप्राइजेज जो है SME मतलब बैंक डिक्लेयर किया गया है, तो HDFC बैंक है। देश का पहला क्लस्टर पार खिलौना क्लस्टर हम लोग देख ही चुके हैं, कर्नाटक में इस्टेब्लिश किया गया है। दस्तलिक टू अभियान जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो है संपन्न हुआ हाल ही में। ये सुरंग में स्थल उत्तराखंड के सुरंग में प्लेस जो है रानीखेत के चौबटिया नामक स्थान पर, ये चौबटिया जो है स्थान ये सैन्य छावनी का क्षेत्र है जो है, सैन्य क्षेत्र है जो है, और यहाँ पर इंटरनेशनल स्तर के प्रशिक्षण होते हैं। तो दस्तलिक टू जो है अभियान जो है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत के चौबटिया में हाल ही में जो है संपन्न हुआ। हाल ही में नौसेना में शामिल कौन सी जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है हाल ही में जो है नौसेना में शामिल की गई, तो याद रखिएगा मित्रों कंजर जो है INS करेंस, और इसके पहले जो है दो स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS कलवरी और INS खंडरी जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी पहले ही भारत की नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं, और हाल ही में INS करेंस को शामिल किया गया है। अमृत महोत्सव ये जो है इम्पॉर्टेंट है, अमृत महोत्सव पीएम मोदी ने जो है लॉन्च किया है हाल ही में अमृत महोत्सव, और ये अमृत महोत्सव क्या है जो है, ये अमृत महोत्सव देश की आज 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त 2022 को जो है इंडिया का जो है 75वां स्वाधीनता दिवस जो है मनाया जाएगा, उसी परिप्रेक्ष्य में जो है 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम से, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है जो है वहां से अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। ये 75 हफ्तों तक 75 दिन तक जो है, जब तक कि 15 अगस्त 2022 आ जाएगा तब तक, मतलब 50 से 12 मार्च जो है 12 मार्च से 75 सप्ताह तक 75 दिन तक जो है इंडिया में जगह जगह पर पूरे इंडिया में अमृत महोत्सव जो है आयोजित किया जाएगा, और ये आयोजन अपनी स्वाधीनता संघर्ष को याद करने के लिए जो है किन किन जो है देशभक्तों ने स्वाधीनता में जो है अपना बलिदान अर्पित किए जो है अंग्रेजों
ने किस तरीके से अत्याचार किए, मतलब स्वाधीनता से रिलेटेड ये कार्यक्रम विविध शहरों में विविध जगहों में जो है पूरे 75 हफ्तों तक आयोजित किया जाएगा और इसका नाम जो है अमृत महोत्सव दिया गया। और 12 मार्च को जो है पीएम मोदी ने जो है साबरमती आश्रम से इसे लॉन्च किया है। 12 मार्च की डेट जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम से जो है निकल करके डांडी कूच किया था जो है, तो उसी की यादगार में जो है 12 मार्च को पीएम मोदी ने जो है स्वाधीनता के लिए मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव का आगाज किया है। तो याद रखिएगा मित्रों, अमृत महोत्सव क्या है और इसकी लॉन्चिंग जो है पीएम मोदी ने कहाँ से किया है। अंगोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। अंगोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है। ये किस स्टेट में है? ये महाराष्ट्र में है अंगोली। मतलब यहाँ जीवों की विविध प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं अंगोली में जो है। अंगोली एक प्लेस है जो है, एक स्थल है जहाँ पेड़ पौधों कीड़े मकोड़ों विविध जीवों की विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसे जो है किसके रूप में घोषित किया गया है? विरासत स्थल, जैव विविधता के लिए विरासत स्थल के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया है जो है। ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा अंगोली। और यहीं पर जो है हाल ही में मछली की एक नवीन प्रजाति जो है ये हिरण्यकेशी, सिस्टूरा हिरण्यकेशी, ये मछली की जो है नई प्रजाति है, ये खोजी गई है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी ये जो है अंगोली में जो महाराष्ट्र में है, ये जैव विविधता का क्षेत्र है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं जो है, जो इसके अध्यक्ष अजय माथुर जी बनाए गए हैं। और इसमें जो है 112 जो है कंट्रीज बताए गए थे, कर्क को मकर रेखा के बीच में लाई करने वाले 112 कंट्रीज जो है इसमें शामिल हैं। और नया शामिल होने वाला देश जो है इसमें इटली है। तो मित्रों इस तरीके से जो है हम लोगों के मार्च महीने का जो कंपाइल लेक्चर है जो है यहीं पर संपन्न होता है जो है। और ये एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि लगभग 1 आवर में ही जो है मार्च महीने के जितने भी जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं इस वीडियो में सन्निहित किए गए हैं, इस लेक्चर में सन्निहित किए गए हैं। तो इस एक लेक्चर के सुनने से आपका काम चल जाएगा। थैंक यू मित्रों, आशा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जो है सुनेंगे और याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।